हेलो गाइस, स्वागत है आपका मारो फीचर फाइट की एक और वीडियो में। और जैसा कि आपको पता ही है कि मई आ गया है, 9th ईयर की एनिवर्सरी चल रही है। और पिछली 2-3 वीडियो में अपन ने तहोरी को और हेलस्टॉर्म को बनाया था, तो आज सटाना की बात है। ठीक है, हम इन तीनों को क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ आखिरी ट्रांसपोर्टेशन में से जो फ्री टू प्ले है, फ्री टू प्ले करेक्टर है, वो आखिरी ट्रांसपोर्टेशन में से बचे और ये इस बार के स्टोरी मिशन में काम आ रहे हैं। हमने तहोरी को भी कर लिया, हेलस्टॉर्म को भी कर लिया, अब हम सटाना को करने जा रहे हैं, उसे भी करते हैं। तो आज है सटाना की बिल्डअप की बाजी। सटाना ज़्यादा आगे तो नहीं निकल के, ये रही सटाना। ठीक है, तो आज हम इसे करेंगे ट्रांसेंड पोटेंशियल। ठीक है, अनलॉक करेंगे इसका फर्स्ट पोटेंशियल और ये मास्टर ऑफ द बेसिलिस्क। ओके, नॉट बैड, अच्छा नाम है। एनहांस पोटेंशियल करेंगे, एज यूजुअल आपको बताइए नॉन स्टोन ऑफ केओस से आपको एनहांस पोटेंशियल करना है, क्योंकि ये ज़्यादा जगह यूज़ नहीं आते हैं, ये कुछ मास्टरी करने में यूज़ आते हैं और अवेकनिंग स्किल्स को अपग्रेड करने में यूज़ आता है बस। तो CCF लगेंगे 50, 276 बैम लगेंगे और 231 नॉन स्टोन ऑफ केओस। हाँ, मैं बाकी की वैल्यूज इसलिए बता देता हूँ कि क्या मान लो आपका नॉन स्टोन ऑफ केओस नहीं हो तो आपको क्या यूज़ करना चाहिए। CCF तो हो सके उतना कम ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि तो Tier 3 में भी यूज़ आता है। तो नॉन स्टोन ऑफ केओस 100% किया, लेवल अप करेंगे, ब्लैक पैंथर साइज यूज़ हम कर रहे थे उससे करेंगे 371 बायोस। अगला एनहांस पोटेंशियल करेंगे 100 CCF, 553 रैंक ब्लैक बैम और 461 नॉन स्टोन ऑफ केओस, और 461 नॉन स्टोन ऑफ केओस हमने किया अपग्रेड और फिर से ब्लैक पैंथर से 424 बायोस से किया इसका लेवल अप। एनहांस पोटेंशियल 3 के लिए हम करेंगे 151 का बैम, सॉरी CCF यूज होगा, 827 का बैम यूज होंगे और 690 के नॉन स्टोन ऑफ केओस। 690 के साथ हमने इसका किया एनहांस पोटेंशियल और फिर करेंगे इसका लेवल अप और उसके लिए ब्लैक पैंथर का है ये रहा 477 बायोस। फिर से एनहांस पोटेंशियल करेंगे 301 CCF, 1667 रैंक बैम और 1389 नॉन स्टोन ऑफ केओस, और इसके साथ करेंगे हम अपग्रेड, लेवल अप करेंगे। कहाँ पर है ब्लैक पैंथर, 537 बायोस। एनहांस पोटेंशियल अगेन, लास्ट एनहांस पोटेंशियल है 400 CCF, 2223 बैम एंड 1852 नॉन स्टोन ऑफ केओस, और ये डन। लास्ट लेवल अप 68 से 70, 604 बायोस लगेंगे और ये 70 के साथ कंप्लीट सटाना। अवेकन पोटेंशियल करेंगे, नॉर्मल टीयर 1 कैरेक्टर है, 240 CCF लगेंगे, 350 अवेकनिंग स्टार्स एंड 1000 मेन लेजेंड फ्रैगमेंट। लेट्स गो फॉर इट। वाओ, काफ़ी सुंदर लगी मुझे इसकी, मतलब जो कैमरे के साथ खेला गया वो बहुत अच्छा था इसका। ठीक है ना, ये मुझे काफ़ी प्यारा लगा। तो ये इसकी प्यारी थी, इसकी वीडियो प्यारी थी। गियर्स की ओर चलते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, इतने बेम, इतने ईओडी, इतने PCPs हैं और बता देंगे गियर्स के बाद कितने कितने यूज़ हुए। तो 7 इज काइंड ऑफ बैड फॉर फर्स्ट गियर, 17 इज़ वेरी बैड फॉर सेकंड गियर, 17 इज़ वेरी बैड फॉर थर्ड गियर, 24 इज़ वेरी बैड फॉर फोर्थ गियर, 29 इज़ वेरी बैड फॉर फिफ्थ गियर। सारे के सारे वेरी बैड रहे, जो कहोरी के अंदर हमें वो मिली थी वो यहाँ पे सारी निकल गई किस्मत। आगे चलते हैं, 10 इज काइंड ऑफ बैड फॉर फर्स्ट गियर, 10 इज वेरी मतलब सेकंड वेरी बैड, 12 इज काइंड ऑफ बैड फॉर थर्ड गियर, 14 इज एवरेज फॉर फिफ्थ गियर, सॉरी फोर्थ गियर, एंड 17 इज एवरेज फॉर फिफ्थ गियर। सॉरी मिस कर गया जल्दी जल्दी में। आगे चलते हैं अगला, 7 इज काइंड ऑफ बैड फॉर फर्स्ट गियर, 9 इज काइंड ऑफ बैड फॉर सेकंड गियर, 6 इज गुड फॉर थर्ड गियर, 20 इज वेरी बैड फॉर फोर्थ गियर एंड 15 इज काइंड ऑफ गुड फॉर फिफ्थ गियर। ठीक है, जो बैड बैड हो रहा था वो गुड गुड भी होने लग गया है, तो देखो बैड ही हो, बैड होगा तो बाकी जगह किस्मत रहेगी। 4 इज काइंड ऑफ काइंड ऑफ एवरेज, 3rd इज काइंड ऑफ गुड, 4th इज काइंड ऑफ गुड फॉर थर्ड गियर, 13 इज एवरेज फॉर थर्ड फोर्थ गियर एंड 25 इज काइंड ऑफ बैड। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज से थोड़ा ही बैड रहा है, मतलब जितनी किस्मत हमें खुली थी ना उससे ज़्यादा बेकार नहीं हुई है, काश ये किस्मत कहीं और काम आती। ठीक है, अवेकनिंग स्किल्स आप देख सकते हैं, पूरा लेवल 6 करना ही पड़ेगा सर ट्रांसेंड करने के लिए, तो अवेकनिंग स्किल्स को पूरा लेवल 6 किया, जिसमें 720 बैम लगेंगे, 180 नॉन स्टोन ऑफ केओस एंड 350 अवेकनिंग क्रिस्टल्स, और ये अवेकनिंग स्किल्स भी कंप्लीट होती है। इसी साथ हम करेंगे ट्रांसेंड पोटेंशियल, जिसमें लगेंगे 100 अवेकनिंग क्रिस्टल्स एंड 200 मिलने जाए फ्रेगमेंट और कुछ गोल्ड भी, और ये होता है ट्रांसेंड पोटेंशियल कम्प्लीट। क्लोज चैलेंजेस में कुछ भी नहीं, हमारे क्रिस्टल्स होंगे, पुरानी कैरेक्टर है, कुछ क्रिस्टल्स यूज रखे हैं, नई बात नहीं है। मास्टर ऑफ बेसिलिस्क डिटेल्स में देखेंगे जाके, तो इग्नोर डिफेंस काफ़ी ज़्यादा है, कूलडाउन भी खूब ज़्यादा हो रखा है और डॉज भी खूब ज़्यादा हो रखा है। चलो इसमें से बताओ यहाँ पे क्या इग्नोर डिफेंस है, चेंज कर दो, क्या देंगे, क्रिटिकल डैमेज, क्रिटिकल रेट, कुछ भी दे दो जो पहले आ जाए वो। तो हमने अभी क्रिटिकल डैमेज क्यों दे दिया है, हाँ क्रिटिकल डैमेज आ भी गया। डिटेल्स में देखेंगे लोग क्रिटिकल डैमेज भी 100%, उसे कुछ ज़्यादा 100% हो गया भैया, तो क्रिटिकल रेट दो रहे से क्रिटिकल डैमेज काफ़ी ज़्यादा हो रखा है, 13% आगे निकल गया, इतना नहीं निकालना है और क्या। तो अपन उरूस से ही कर देंगे, चलो क्रिटिकल रेट दे दी, हाँ अब उरूस से हमें ये 10% पीछे, ये 6% पीछे, ये एकदम कंप्लीट रखा है, ये कंप्लीट रखा है, ये भी कंप्लीट रखा है, डॉज भी, और उरूस से हम नहीं दे रखे, दे देंगे। और वह इसकी स्किल्स हमने लेवल 6 पे कर रखी है, अच्छी बात है। टाइप अनाउंसमेंट करेंगे फटाफट से टिकट्स का यूज़ करते हुए, ये पहला टाइप अनाउंसमेंट, ये दूसरा टाइप का अनाउंसमेंट कर दिया हमने, और अब हम करेंगे तीसरा टाइप अनाउंसमेंट, बस कंप्लीट है। आगे चलते हैं, आइसोएट देखेंगे, ओवरड्राइव दे रखा है, बहुत बढ़िया, लेवल 6 का है। आर्टिफैक्ट नहीं दे रखा है, दे दो आर्टिफैक्ट, कोई भी दे दो अवेलेबिलिटी वाला।
अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी लीडरशिप ये रहा अवेलेबिलिटी का इक्विप कर। कंप्लीट कस्टम गियर फायर डैमेज डॉज 200। अच्छा इस डॉज की वजह से इसका डॉज बहुत हो रखा है, 200 प्रो के बहुत प्यारा। यूनिफॉर्म हमने इसकी सिर्फ एक ही ले रखी है, ये वाली यूनिफॉर्म शायद गोल्ड से आती थी इसलिए ले रही है, पर ये यूनिफॉर्म बहुत अच्छी है मैंने सुना है ये, पर ये क्योंकि एक सीजनल यूनिफॉर्म है तो मैं तो इसे नहीं खरीदूंगा, पर इससे आपको इंक्रीज ऑल एलिमेंटल डैमेज मिलता है इसलिए ये अच्छी स्किल्स है क्योंकि एक तरह से सपोर्ट बच जाती है और ऊपर से इसकी लीडरशिप तो हर कोई जानता है बहुत ही अच्छी है। तो इसी के साथ ख़त्म होता है इसका अपग्रेड। मैंने इसके मटेरियल्स बताए थे क्या? मैंने इसके मटेरियल्स नहीं बताया ना जल्दी जल्दी में, अरे यार शिट। चलो इन्वेंट्री में जाके मैं आपको बैम तो माइनस करके बताने पड़ेंगे, ठीक है? इसमें से शायद 720 बैम आप हटा देना क्योंकि वो अवेकनिंग यूज़ करने में यूज़ आए थे, और इतने ईओडी और इतने टीसीपी यूज़ हुए क्योंकि ईओडी टीसीपी और कहीं यूज़ नहीं हुए, है ना? तो ईओडी टीसीपी उतने यूज़ हुए, इसमें मैं आपको 720 हटा के टाइप करके सही वैल्यू लिख दूंगा और वो आपको पता लग जाए, ठीक है? तो अब हमने आपको मटेरियल्स भी बता दिए, अब हम बैक चलते हैं, ठीक है? और आपको बताते हैं कहाँ हमारी ये ट्रांसफर कंप्लीट है। तो ये रही हमारी द बेसिलिस्क, किसके सिस्टर ऑफ बेसिलिस्क, नहीं मास्टर ऑफ बेसिलिस्क, सिस्टर बना दी। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, थैंक यू, बाय बाय।